बोर्ड परीक्षा 2020 को देखते हुए केमिस्ट्री के एक एक मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी केमिस्ट्री के जितने भी एक एक मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है प्लस उनके सॉल्यूशंस वो मैं आज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, यानी वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था नियमित होता है या नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। सारे क्वेश्चन हैं एक एक लाइन के हैं और एक एक नंबर के हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्यों, इसका कारण बताइए। तो देखिए इसका गुण द्रव्य के समान होता है, जो कांच का गुण है वो द्रव्य के समान होता है। इसमें द्रव्य के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है, पर उसके बहने की गति है वो बहुत धीमी होती है। यही कारण है कि इसे आवासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे की कांच की ऊपरी भाग पतले और नीचे पैंदी का भाग मोटा हो जाता है। तो फ्रेंड कांच को क्या है, एक द्रव के रूप में मानते हैं, लेकिन इसके जो बहता है बहने की प्रवृत्ति होती है वो इसकी बहुत धीमी होती है, इसलिए इसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फ्रेंकल दोष एवं शॉटकी दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है, यानी वैसा दोष जिसमें अवयवों कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर अंतराकाश स्थान में व्यवस्थित हो जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। और शॉटकी दोष क्या है, यानी वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, राउल्ट का नियम क्या है। तो देखिए फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के आंशिक वाष्पशील और मोल अंश के बीच एक संबंध दिया जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है अपना, विद्युत रासायनिक सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो एक अर्थ सेल में 298 केल्विन ताप पर एक मोल सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसके बाद देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए किसी विद्युत में अपद्रव्य में प्रवाहित अपघट्य में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के बीच फैराडे ने संबंध दिया जिसे विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य के बराबर होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, तो यानी वैसी झिल्ली जिसमें सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, यानी बाकी सभी अणुओं को रोक लेती है। इसके बाद देखिए परासरण दाब क्या है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक एक नंबर के हैं और ये बोर्ड परीक्षा के लिए आपको जरूर याद करना है। तो परासरण को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब है वो परासरण दाब कहलाता है। कोलाइड क्या है, यानी वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विसरित नहीं होता, कोलाइड कहलाता है। क्रांतिक ताप को परिभाषित किए, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, यानी वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों न हो, क्रांतिक ताप कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ये लाइक दैट शून्य कोटि की जो अभिक्रिया थी उसके समान ही है।
चलिए इसके बाद क्या है, कोलराउस का नियम बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कोलराउस ने 1876 में लवणों के ऐसे युग्म के अति तनु विलयन के मोलर चालक का अध्ययन किया जिसमें एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ होता है। उसके बाद आपको याद कर लेना है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फिर उसके बाद नरस समीकरण, पेप्टिकरण, ब्राउनी गति, ये जरूर याद कर लेना है। टिंडल प्रभाव भी आपको याद करना है। निस्तापन को समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये फ्रेंड, निस्तापन और ये प्रगलन। तो निस्तापन क्या होता है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया को निष्कान में धातु के कार्बोनेट का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है। आयन विभव या आयन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद कर लेना, एक नंबर का ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो किसी तत्वों के एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस तत्व का आयनन विभव कहलाता है। उसके बाद वैद्युत संयुक्ता, फ्रेंड इन सारे क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। दहली ऊर्जा क्या कहते हैं, पायस को समझाइए, एंजाइम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। डीएनए आरएनए अंतर बहुलीकरण क्या है, विशिष्ट चालकता को समझाइए। वैद्युत अपघट्य चालक क्या है, मोलर चालकता क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर के प्रश्न हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लें। गोल्ड नंबर क्या है, कोलाइड बनाने की दो विधियाँ। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।